महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स देने का ऐलान किया है। पॉलिसी के मुताबिक 1,00,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर ₹10,000 तक इंसेंटिव प्लान दिया जाएगा, जबकि 15,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर ₹30,000 तक इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा 10,000 गुड्स इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर भी ₹30,000 तक इंसेंटिव देने की योजना है। राज्य पहले 1,00,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदारों को सब्सिडी देगा, जो ₹5,000 प्रति किलो वॉट आर बैटरी क्षमता के प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। 31 दिसंबर 2021 से पहले टू व्हीलर वाहन खरीदने वालों के लिए ₹15,000 तक प्रोत्साहन की पेशकश कर रहा है, जो ₹5,000 प्रति किलो वॉट आर बैटरी क्षमता के लिए है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्सिडी की बात करें तो 1 किलोवाट की बैटरी वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर ₹15,000 इंसेंटिव मिलेगा, 2 किलोवाट बैटरी वाले टू व्हीलर पर ₹30,000 और 3 किलोवाट वाली टू व्हीलर पर ₹45,000 का इंसेंटिव मिलेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदार इस साल कुल ₹25,000 की महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सब्सिडी और ₹45,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलाकर ₹60,000 की बचत कर सकते हैं। अगर हम बात करें एथर 450X की, ये बाइक आती है 2.9 किलो वॉट के साथ, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,90,246 के साथ। लेन दो की सब्सिडी से आपको 43,000 की बचत होगी और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2021 से आपको 10,000, और अगर आप 31 दिसंबर 2021 से पहले लेते हो तो ₹15,000 एक्स्ट्रा यानी ₹25,000 की बचत कर सकते हो। कुल मिलाकर इस बाइक पर आपको 68,500 की बचत होगी, यानी आपको ये बाइक 1,21,926 को मिलेगी। इसके अलावा 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर ₹1.5 लाख तक इंसेंटिव देने की योजना बनाई गई है। 1,000 इलेक्ट्रिक बसों पर अधिकतम ₹20 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसका फायदा सिर्फ सरकारी उपक्रमों की बसों को ही होगा। महाराष्ट्र सरकार साल 2025 तक सरकारी बसों के बेड़े में 25% तक इलेक्ट्रिक बसें करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। महाराष्ट्र में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची जाएंगी उन सभी पर रोड टैक्स माफ होगा। हालांकि बात यहां एक बार फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, जिसका समाधान इस पॉलिसी में किया गया है। नई पॉलिसी कहती है कि राज्य में हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। यदि यह कदम जल्दी उठाया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़े पैमाने में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर अपना रुख कर सकते हैं। राज्य सरकार ने 7 प्रमुख शहरी समूहों मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, अमरावती और सोलापुर और 4 प्रमुख राजमार्गों मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, मुंबई नागपुर और पुणे नासिक में लगभग 2,500 चार्जिंग स्टेशनों बुनियादी ढांचे को आक्रामक रूप से विकसित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर प्रॉपर्टी टैक्स में भी राहत मिलेगी।